न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ जरदारी भारत आए हुए हैं, जाना चाहते थे अजमेर, अपनी निजी मुलाकात पर आए हैं, प्राइवेट मुलाकात है, फिर भी भारत के प्रधानमंत्री के साथ उनकी बातचीत भी हुई 20 मिनट, बाद में भोजन भी हुआ जिसमें विरोध पक्ष के नेता आडवाणी जी, सुषमा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मिनिस्टर भी हाजिर रहे। पाकिस्तान के साथ हमारा जो रिश्ता है वो एक अजीब प्रकार का रिश्ता है। कोई भी भारतीय जो है वो पाकिस्तान को हेट करता है, उसे धिक्कारता है। भारत के लिए पाकिस्तान विलन से कम नहीं है। कोई भी भारतीय हो वो पाकिस्तान को प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े घाव दिए हैं। पाकिस्तान की स्थापना जब हुई, 5000 साल से बनाया हुआ एक बनी बनाई हुई संस्कृति थी, एक विशाल साम्राज्य था, इतना गहरा भाईचारा था हिंदू मुसलमानों में, और फिर ये 5000 साल की मूर्तिमंत भारत माता को खंडित करके पाकिस्तान बनाया गया। मैं नहीं समझता, और जो भी बुद्धिमान लोग हैं ये नहीं मानते कि पाकिस्तान जिना की वजह से बना। मांग की जिना ने ही मांग की, वो प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए मोर्चा खोला, उन्होंने पाकिस्तान को एक राष्ट्र बनाने का सपना देखा। मगर सही मायनों में अगर आप जानते हैं इतिहास, तो ये अंग्रेजों की चालबाजी थी, अंग्रेजों की कूटनीति थी। हम 5 साल का नहीं सोचते हैं, हम पंचवर्षीय योजना बनाते हैं, वो भी आर्थिक बाबतों की, बाकी किसी बात पे हम योजना नहीं बनाते। ये अंग्रेज और अमेरिकन जो लोग हैं वो 50 साल की, 55 साल की, 100 साल की योजना बनाते हैं, और आर्थिक नहीं, सामाजिक, धार्मिक। 2050 में, अब आने वाले 2050 में दुनिया में कौन से धर्म की कितनी बस्ती होनी चाहिए, कितने राष्ट्र होने चाहिए, ये भी वो फॉर्मूला बनाते हैं। और इतिहास को वो शेप देने की, इतिहास को बनाने की कोशिश करते हैं, अपने आप इतिहास बन नहीं जाने देते, इतिहास वो बनाते हैं। तो जब अंग्रेजों ने देखा कि ये 30 करोड़ की जनता है आजादी के टाइम पर, जो 3 करोड़ अंग्रेजों के सामने 10 गुनी है, उस समय हार्डली 2.5-3 करोड़ अंग्रेज रहे होंगे, कौमी एकता थी, झमेले नहीं थे, तो ये हिंदू मुसलमान अगर एक साथ रहे तो आने वाले समय में क्रिश्चियनिटी पर अटैक हो सकता है, क्रिश्चियनिटी पर जोखिम हो सकता है, क्रिश्चियनिटी इन डेंजर हो सकती है, ये दो मिलकर क्रिश्चियनिटी को हरा सकते हैं। ये बात सोची गई 1920 में, सोची गई 30 में, सोची गई, क्योंकि अंग्रेज और मुसलमानों का कोई 300-400 साल का युद्ध का इतिहास बना हुआ है, बड़े भयंकर युद्ध हुए हैं। आज जो पूरा यूरोप है वो एक समय पूरा मुस्लिम राष्ट्रों से भरा था, वहां मुसलमानों का बहुमत था यूरोप में, तो बड़ी संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने यूरोप से मुसलमानों को हटाया। अब वो नहीं चाहते थे कि फिर से दोबारा मुसलमान अंग्रेजों के लिए खतरा बने, और सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की उस समय भी अखंड भारत में थी, आज भी भारत
दुनिया का दूसरा नंबर का मुस्लिम राष्ट्र है, जहां मुस्लिमों की आबादी दूसरे नंबर पर है इंडोनेशिया को छोड़कर। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीन को मिला लो आज भी तो 50 करोड़ मुसलमान ये भारतीय उपखंड में है। तो अंग्रेजों ने जानबूझकर भारत का विभाजन कराया। अंग्रेजों को पता जब चला कि जीना को कैंसर है, जीना मरने वाला है, तो जो आजादी वो नवंबर, सितंबर, दिसंबर में देने के लिए सोच रहे थे वो एकाएक बिल्कुल जैसे ही पता चला आजादी 5 महीने पहले दे दी गई, 15 अगस्त तय हो गई, रातों रात तय हो गई और विभाजन करवा दिया गया। वो जानते थे कि अगर जीना मर गए तो नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू की, गांधी जी की, ये सब की इतनी पहुंच बनी हुई है मुसलमानों में कि फिर बंटवारा नहीं हो पाएगा। और मैं आपको इतिहास बता दूं, गवाह है कि जिना की वजह से अगर विभाजन होता, अगर मुसलमानों ने जिना को अपना नेता चुना होता तो इतिहास अलग होता। 1935 के बाद 15 साल तक ये देश में चुनाव होते रहे, 1935 से 50 तक, 48 तक। अंग्रेजों ने नया बंधारण दिया था जिसमें प्रधानमंडल भी बनते थे, कैबिनेट बनती थी, सेंट्रल में भी बनती थी, प्रांतों में भी बनती थी, प्रांतीय सरकार बनती थी। मुसलमानों के लिए अलग मतदान था, मुसलमान अपना नुमाइंदा खुद चुनते थे। हिंदू मत विभाग अलग था, मुसलमानों का मत विभाग अलग था 35 से 48 तक। और इन सारे वर्षों में मुस्लिम लीग के उम्मीदवार कभी मुस्लिम सीट पर नहीं जीत पाए। हमेशा पहली जब ये बनी, प्रधानमंडल बना, जब ये चुनाव हुए तो मुस्लिम लीग बुरी तरह हार गई। मुस्लिम विस्तारों में, बांग्लादेश में आज पाकिस्तान है, वहां मुस्लिम लीग हार गई और कांग्रेस जीत गई। फिर जिन्ना ने समझ लिया कि अगर हम साथ रहे तो मेरा मेरा मेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, और विभाजन की बात बढ़ाते गए। और अंग्रेज चाहते थे इसलिए देश का विभाजन हो गया, मुसलमान चाहते थे या मुस्लिम लीग चाहती थी या जिन्ना चाहते थे इसलिए नहीं हुआ। खैर, विभाजन हो गया है। आज मैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति हमारे देश में है, मैं पाकिस्तान के बारे में थोड़ी बात करना चाहूंगा, दो बात करना चाहूंगा, तीन बात करना चाहूंगा पाकिस्तान के बारे में। सबसे पहले मैं पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान के नागरिकों को, वहां की आवाम को, सबको सलाम करता हूं। मैं बड़ी इज्जत देता हूं उनको एक बात पर कि अमेरिका से खरबों अरबों रुपये की डॉलर में ग्रांट लेकर, मदद लेकर भी ये इस पाकिस्तानी नागरिकों ने, पाकिस्तान की आवाम ने अपना धर्म नहीं बेचा। 5 साल से ज्यादा समय उन्होंने ओसामा बिन लादन को पाकिस्तान में छुपा के रखा। यह सिर्फ पाकिस्तान कर सकते हैं, यह सिर्फ इस्लाम वाले कर सकते हैं। मैं नहीं मानता कि जहां ओसामा बिन लादन रहता था वहां के आसपास के कोई किसी को भी पता नहीं था, यह बात मैं मानने को तैयार नहीं। छोटा सा गांव होता है, वहां हर एक आदमी को जानता है। कोई नया आया है तो बहुत लोग इंटरेस्ट लेते हैं कि ये भाई है कौन। उनके घर कोई तो कुछ देने जाता होगा, वहां से कोई बाहर कुछ लेने तो आता होगा, वहां आने वाले जाने वाले लोग भी तो होते होंगे। जिस घर के आसपास 15 फुट की दीवारें चुन ली जाए, खिड़कियां बंद कर दी जाए, कभी खुलती ना हो, तो और भी इंटरेस्ट आ जाता है लोगों को जानने का कि भाई क्या है। बच्चे खेलने जाते होंगे, उनके बच्चे बाहर निकलते होंगे। मैं नहीं मानता कि 5 साल तक किसी को पता ना हो, पाकिस्तान की सेना को पता ना हो, ISI को पता ना हो, पाकिस्तान के नेताओं को पता ना हो, नागरिकों को, बहुत सारे लोगों को पता था, फिर भी दिल में वो बात छुपा के रखी। अपने धर्म के एक, नहीं तो क्या था वो,
ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से क्या लेना देना, उनका जन्म कहां हुआ, कहां रहा, कहां बड़ा हुआ, कहां अफगानिस्तान में उन्होंने अपना डेरा डाला था, अफगानिस्तान से भाग के आया था, पाकिस्तान का नागरिक नहीं था, पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ था, सिर्फ धर्म की वजह से उन्होंने उनको पाला, 5 साल तक छुपा के रखा। यह हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर अडवाणी जी पे 100 करोड़ का इनाम लगा दे कोई सरकार, हम भारत में उनको 10 दिन नहीं छुपा के रख सकते, पकड़े जाएंगे अडवाणी जी। अगर हिंदू महासभा के प्रमुख तो महामंत्री तोगड़िया जी पर 50 करोड़ 10 करोड़ का इनाम लगा दो, 10 दिन में वो पकड़े जाएंगे, नहीं छुपा पाएंगे हम लोग। तो अपने धर्म के लिए इतनी बड़ी रकम भी ठुकरा देना और अपने धर्म वाले के साथ खड़ा रहना, ये हमारे में नहीं है। मैं जो चाहता हूं, मैं यही चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मुसलमानों में ये जो जज्बात है, ये जो जुस्सा है, धर्म के लिए मर मिटने का जो ताकत है, मर मिटने की, हस्ती मिटा देने की, उसका थोड़ा 10% 20% 50% हम हिंदुओं में आ जाए। मैं उनकी प्रेस करता हूं, मैं उसको पाकिस्तान को उनके नागरिकों को सलाम करता हूं कि उन्होंने एक ऐसा काम करके दिखाया जो इतिहास में बहुत कम हुआ है। तो ये एक बात मुझे बहुत पसंद है। दूसरी बात, मुझे पाकिस्तान की बहादुरी बहुत पसंद है। मेरी आज की बात बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आएगी, कोई चिंता नहीं, सत्य यही है। एक 15-16 करोड़ की बस्ती वाला देश है, 16-18 करोड़ बस्ती होगी पाकिस्तान की। भारत की बस्ती 125 करोड़ है, 1 अब्बज 25 करोड़ है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है, भारत के पास भी एटम बॉम्ब है। पाकिस्तान लड़ाई की शुरुआत करता है, 2-4 एटम बॉम्ब भारत पे डाल देता है, 20 करोड़ लोग मर जाते हैं, फिर भी हम 100 करोड़ लोग जिंदा रहेंगे। पाकिस्तान के सबके सब अणुबॉम्ब भी डाल दे तो भी हम 80-90 करोड़ लोग जिंदा रहेंगे। अगर हमारे पास जितना जखीरा है एटम बॉम्ब का, अणुबॉम्ब का, वो पाकिस्तान पे डाल दे तो पाकिस्तान की हस्ती मिट जाएगी। इतना होने पर भी डरता कौन है? डरता हिंदुस्तान है, हम डरते हैं। हमारी चैनलों पे चर्चा होती है तब कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास भी अब अणु परमाणु हथियार है, हम उससे लड़ाई नहीं कर सकते, हम आतंकवादियों के कैंप पे हमला नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी अभी अणु सत्ता है। अरे एक इतना छोटा देश, 15 करोड़ की बस्ती वाला, 16 करोड़ की बस्ती वाला देश, वहां कोई ये चर्चा नहीं करता कि भारत ने पूरे अणुबॉम अपने पे डाल दिए तो क्या होगा, एक डाल दिया कराची पे तो क्या होगा। चर्चा हमारे यहां हो रही है कि हम आतंकवादी कैंप पर हमला नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान के पास भी एटमिक एनर्जी है, पाकिस्तान के पास भी अणुबॉम है, मिसाइल्स है। तो एक इतना छोटा देश इतने बड़े आबादी वाले देश को डरा रहा है, और हमारे नेता भी हमें यही समझा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ तो समझौता करना पड़ेगा, अब लड़ाई की बात भूल जाओ भाई। पाकिस्तान लड़ने मरने पे तैयार है, वो आए दिन अपने यहां त्रासवादियों को भेजता रहता है, डरता नहीं है, पार्लियामेंट पे हमला करवाता है, मुंबई पे हमला करवाता है। हम डिफेंसिव होते जा रहे। जब मुंबई पे अटैक हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ सब बात बंद हो जाएगी जब तक कि पाकिस्तान में बैठे हुए त्रासवादी है जिन्होंने मुंबई पे हमला किया उसको शिक्षा नहीं होगी, हम बात नहीं करेंगे। वहां कोई शिक्षा नहीं हुई, यहां 10वीं बार मिल रहे बड़ा प्रधान, कोई शर्म नहीं अपने राजकीय नेता को। वाजपेयी जी ने कहा था कि आर पार की लड़ाई होगी, अरे कोई आर भी नहीं हुई, पार भी नहीं हुई, लश्कर पड़ा रहा 1 साल तक सरहद पर। तो
मुझे पाकिस्तान की जो पसंद है वो दूसरी बात यह है कि वो हिम्मत वाला राष्ट्र है। डरता नहीं है कि मैं छोटा हूं, भारत इतना बड़ा है, मेरे पास इतना जखीरा है, इनके पास इतने जखीरे हैं। वो हमें डरा रहा है और हम डर रहे हैं। तो पाकिस्तान की हिम्मत को भी मैं दाद देता हूं, चाहे हमने 65 में हरा दिया, 72 में दो टुकड़े कर दिए, मगर डरते हम है आज भी। ये बात हमें कबूल कर लेनी चाहिए कि अपने जो नेता है, भारत के जो राजनीतिज्ञ है, वो बड़े घबरू डरपोक लोग हैं। भारत में जो एक ही औरत हुई वड़ा प्रधान, वो सबसे तेज थी, सबसे भारी थी, सबसे होशियार थी और लड़ायक थी। और जितने पुरुष नेता है भारत में, वो साले सभी एक ही तरह के हैं। डरते हैं, वो डरते हैं पाकिस्तान से डरते हैं। और तीसरी एक बात मैं कहना चाहता हूं, आज पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में है। भारत में आए दिन कभी कभी दंगे होते रहते, गुजरात में भी हुए थे। मगर मुझे एक बात बताए, जो लोग अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, सबाना जी है, उनके पति देव है, महेश भट्ट जी है, ये तिस्ता से तलवार जी है, पूरी कांग्रेस है, दिग्विजय सिंह है, वो एक फिगर, कंपेरेटिव फिगर लेके आए मेरे सामने कि पाकिस्तान में सिया सुन्नी की जो लड़ाई होती है, सिया सुन्नी के बीच जो लड़ाई दंगे होते हैं, उसमें जितने आदमी मरते हैं, मैं समझता हूं उससे कम आदमी हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान लड़के मरते हैं। कभी कभार हो जाते हैं, बड़े दंगे हुए हैं, ना नहीं कहते, गुजरात में हुए। मगर आज मैं कहना चाहता हूं कि 2011 में, 2012 में कोई भी गुजराती, हिंदू गुजराती कभी ये नहीं सोचता कि मैं ये मुस्लिम दुकान से, चाहे भाजपा का नेता ही क्यों ना हो, ये मुसलमान के पास से मैं कुछ नहीं लूंगा, उसका बायकॉट कर दूं, उसे, उसके साथ मेरे, मुझे व्यवहार नहीं रखना है, कभी किसी ने नहीं सोचा। दंगे हुए हुए, मगर आज सब भाई की तरह रहते हैं। जितने शिया सुन्नी में मरे मुसलमान 57 देशों में, उससे कम हिंदू मुसलमान ये देश में मरते हैं, दंगे में मरते हैं, बहुत कम मरते हैं। हिसाब निकालो और सेक्युलरिस्ट बन के जो घूम रहे वो हिसाब लगाए, तो मेरी बात का यकीन हो जाएगा कि सिया सुन्नी की लड़ाई में जितने मरते हैं, और भी बहुत सारे, जितने हमारे हिंदुओं में पक्ष है, जितने हिंदुओं में विभाजन है, इतना और उससे भी बड़ा विभाजन मुसलमानों में है। वहां जो दिक्कतें हैं, लड़ाइयां हैं, उसमें हमारे से ज्यादा मुसलमान मर जाते हैं, ये भी एक फैक्ट है। तो मुस्लिम राष्ट्र बना लेने से शांति नहीं आती। और मैं एक दूसरी भी बात कहना चाहूंगा आज के हमारे यहां भारत में आज 17-18 करोड़ मुसलमान भाई है। मैं समझता हूं कि ये इतनी बड़ी ताकत में मुसलमान भारत में होने की वजह से ही हम अंदर अंदर नहीं झगड़ते। कभी सुना नहीं कि शिव मार्गियों ने वैष्णव मार्गियों के साथ हाथापाई कर दी, पिटाई कर दी, हत्याएं कर दी, मंदिरें तोड़ डाले, कभी नहीं हुआ। आदमी का स्वभाव तो झगड़ना है ही, तो जो सिर्फ मुस्लिम राष्ट्र है वो सिया सुन्नी लड़ लेते हैं, हम कभी कभार हिंदू मुसलमान लड़ लेते हैं, मगर हिंदू समाज में जो बिल्कुल यूनिटी है उसकी वजह भी ये मुसलमान भाई है जो भारत में रह रहे हैं। तो चलो आज प्रेसिडेंट साहब आए हुए पड़ोसी देश के और जा रहे हैं अजमेर शरीफ, जहां हिंदुओं को भी बड़ी बड़ी आस्था है। मैं बहुत बार गया हूं अजमेर शरीफ, मैं भी माथा टेक के आता हूं, मैं कोई ये नहीं करता कि नहीं मैं नहीं जाता, मैं जाता हूं बहुत बार, मैंने भी अजमेर शरीफ की यात्रा की है। तो हम चाहे कि आज जब प्रेसिडेंट साहब वहां जा रहे हैं तो भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं, पूरी दुनिया में अमन हो, भारत में भी अमन हो, पाकिस्तान में भी अमन हो। सीधी बात में आज सिर्फ इतना ही।